नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो निर्वाचन आयोग की तरफ से आ रही है, चलिए मैं आपको सीधे उस न्यूज़पेपर की ओर लेकर चलता हूँ जहाँ पे ये न्यूज़ दिखाया गया है। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बड़ा शीर्षक दिया गया है, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका नहीं लड़ सकेंगी पंचायत चुनाव। तो जी हाँ, अगर आप लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पंचायत चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ साफ बता दिया गया है कि अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। तो चलिए आपको आगे वीडियो में और भी इसकी सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे न्यूज़ में। तो जैसे कि ये पूरे बिहार की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बांका जिले में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है, जबकि अभी भी लोगों को अधिसूचना जारी किए जाने का इंतजार है। देखिए, यहाँ पे पंचायत आम चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगी और ना ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थियों की प्रस्तावक बन सकेंगी। यानी कि आप खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और ना ही किसी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रस्तावक बन पाएंगी। वहीं विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोईया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृह रक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी का प्रस्तावक बन सकते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये जो सारी निर्देश दी गई है, ये लोग अब पंचायत चुनाव में नहीं उतर सकते हैं, इनके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। और देखिए, जो प्रस्तावक बनेंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए और उनको उनका क्या क्या होना ज़रूरी है। जैसे कि 21 वर्ष से कम आयु वाले नहीं बन सकेंगे प्रस्तावक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी भी पद के प्रस्तावक होने के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर आप किसी का प्रस्तावक बन रहे हैं जिनकी 21 वर्ष से आयु ज़्यादा है तो उनको वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वहीं 21 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग किसी का प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। तो और देखिए, यहाँ पे कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं इस पंचायत चुनाव में। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई अर्हता के मुताबिक सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मी, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता एवं आय अकार्यरत गृह रक्षक पंचायत चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। यानी कि ये जो सेवानिवृत्ति निर्वृत्त कर चुके सरकारी कर्मचारी हैं और जो राशन दुकान के लाइसेंसी विक्रेता हैं और जो भी लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जो न्यूज़ देखे हैं वो हिंदुस्तान की ओर से प्रकाशित किया गया है, इसकी तारीख यहाँ पे दी गई है 21 अगस्त 2021। तो आप सभी को ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।